मुंह में होगा स्वाद का डबल धमाका जब बनाएंगे इस तरीके से मैगी की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया था, उसे हम डाल लेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाए तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की बारीक कट कर इसमें डाल दी हैं। लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। फिर हम इन दोनों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर काट कर डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे भी चला लेंगे। थोड़ा सा हरा मटर भी मैंने डाल दिया है, इसे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप यहाँ पर अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो बारी है मसालों की। तो मैंने मसाले में डाल दिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो हमारा टेस्ट मेकर उसमें भी थोड़ा नमक होता है। इन सभी को अच्छे से चला लेंगे और मसालों को हल्का सा भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो इसे हम ढक कर पका लेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो हमारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गए, ये देखिए। तो इसमें मैंने 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद हम इस तरीके से चला लेंगे। फिर हमारा आता है टेस्ट मेकर का बारी। तो ये जो हमारा टेस्ट मेकर है इसको भी हम पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मैगी यूज़ किया है, तो दोनों का टेस्ट मेकर मैं डाल दूंगी और इस तरीके से चला लूंगी। और जब तक एक उबाल ना आ जाए मैगी नहीं डालेंगे। तो एक उबाल आ चुका है पानी में, तब हमारी मैगी की बारी आती है। तो इसे हमें बिल्कुल भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी मैगी को डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से। और जो पैकेट में थोड़ा बहुत मैगी बचा है उसे भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसे भी हम पानी में डाल देंगे और इसे ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो हमारी जो मैगी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब अच्छे तरीके से बिल्कुल सावधानी से हमें इन सारी सब्जियों को मैगी में हमें मिक्स कर लेना है। तो हमारी मैगी अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गई है सब्जियों में। तो अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ड्राई ड्राई बनकर हमारा जो मैगी रेडी हुआ है। तो थोड़े से कटे हुए टमाटर से हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। वाओ, कितना बढ़िया टेक्सचर इसका है, आप देख सकते हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, तो मुझे फिर से खाने का ऐसे मन करने लगा। तो फटाफट आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।